तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर माइनक्राफ्ट में। और आज के इस धमाकेदार वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कमाल की माइनक्राफ्ट टेक्निक। जी हाँ, अगर आप लोग भी माइनक्राफ्ट खेलते हैं, खासकर पॉकेट एडिशन एंड जावा एडिशन दोनों ही यूज़र्स के लिए मैं एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसी टॉप माइनक्राफ्ट सीड बताऊँगा जो आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी टॉप माइनक्राफ्ट सीड बताने वाला हूँ। इस सीड के अंदर आपको कमाल के एंटिटी देखने को मिलेंगे, कमाल के आपको मॉन्स्टर देखने को मिलेंगे। जी हाँ, अगर आप लोग भी माइनक्राफ्ट खेलते हैं, खासकर आप लोग अगर पॉकेट एडिशन में ट्राई करना चाहते हो या फिर आप लोग इसे बेडरॉक जावा एडिशन में ट्राई करना चाहते हो, तो आपको ये वीडियो पूरी फॉलो करनी है। जी हाँ, क्योंकि ये जो सीड है ये आपके बेडरॉक एडिशन में वर्क नहीं करेगी। ये सीड केवल और केवल पॉकेट एडिशन एंड जावा एडिशन उन यूज़र्स के लिए ही बनाई जा रही है। इस सीड के अंदर आपको कमाल के ग्लिच देखने को मिलेंगे, डायमंड ग्लिच और यहाँ तक के नेदराइट इंगट के जो भी ग्लिच हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही आपको यहाँ पर एक ऐसा ब्लैक एंटिटी देखने को मिलेगा जिसे आपने पहले कभी किसी भी यूज़र्स ने नहीं देखा होगा। जी हाँ, मैंने काफ़ी यूट्यूब पे रिसर्च की, काफ़ी गूगल पे रिसर्च की, प्ले यहाँ तक कि माइनक्राफ्ट की साइट पर गया, उसके बाद मैंने इस सीड को ढूंढा है और आज मैं इस सीड को हमारे माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट अपडेट में ट्राई करने वाला हूँ। और मैं आपको बताऊँगा क्या सच में इस सीड के अंदर कोई एंटिटी एग्जिट करता है या नहीं। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक न्यू वर्ल्ड जनरेट करना है, आपको अपने वर्ल्ड का नाम देना है, गेम मोड आपको सर्वाइवल सेलेक्ट कर लेना है और हार्डकोर बिल्कुल भी सेलेक्ट मत कीजिए। उसके बाद वन आपको अपनी वर्ल्ड सीड डालनी है, 189264715263448917। तो आपको ये वाली सीड डालनी है और अपने वर्ल्ड को जनरेट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं कुछ देर वेट करता हूँ। तो जैसे ही आपका वर्ल्ड जनरेट होगा आपका स्पॉन पॉइंट कुछ इस तरह का होने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपना वुड कलेक्ट करके अपने लिए वुड के टूल कंप्लीट करने हैं। तो मैं यहाँ से वुड कलेक्ट करता हूँ और अपने लिए वुड के टूल कंप्लीट करके आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ से ढेर सारी जो है अपने लिए वुड के टूल कंप्लीट कर लिए, ऑलमोस्ट मेरा जो वुड का टूल है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं अपनी जर्नी शुरू करने वाला हूँ। मैं ऑलमोस्ट 10,000 ब्लॉक की जर्नी कंप्लीट करूँगा और आपको बताऊँगा क्या सच में इस सीड के अंदर कोई एंटिटी एग्जिट करता है या नहीं। वहाँ पे मुझे स्टोन भी दिख रहा है तो मैं डायरेक्ट स्टोन के टूल कंप्लीट करके अपनी आगे की जर्नी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं 4,400 ब्लॉक आगे आ चुका हूँ लेकिन अभी तक मुझे इस सीड के अंदर कोई भी एंटिटी या फिर कोई भी जो है विलेज नहीं मिला है। तो मैं अपनी आगे की जर्नी कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों मैं ऑलमोस्ट 8,900 ब्लॉक की जर्नी यानी 9,000 ब्लॉक कंप्लीट करने वाला हूँ लेकिन अभी तक मुझे सीड के अंदर कोई भी एंटिटी या फिर कोई भी मॉन्स्टर देखने को नहीं मिला है। तो हो सकता है कि हमारे माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट अपडेट में अब ये सीड वर्क नहीं कर रही है। मैं अपनी आगे की जर्नी कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों मैंने 11,000 ब्लॉक की जर्नी कंप्लीट कर ली है लेकिन मुझे सीड के अंदर कोई भी एंटिटी देखने को नहीं मिला है। तो हो सकता है कि हमारे लेटेस्ट अपडेट में अब ये सीड वर्क नहीं कर रही है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो 1.18 में आप इसे ट्राई कर सकते हो, वहाँ पर ये सीड अब भी वर्क कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।